मंडला जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय कुशराम ने कर्नाटक में मिली कांग्रेस की जीत पर बधाई देते हुए कहा कि भाजपा हार पर मंथन कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर है, जिसके चलते एक बार फिर बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पुनः अपनी सरकार बनाएगी। मंडला सहयोगी सलीम खान ने डॉक्टर संजय कुशराम से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। आज हम मंडला में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम जी के साथ हैं। आज उनसे ज़िले में जो कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं मंडला ज़िले के, उनके विषय में कुछ चर्चा करेंगे और देखना होगा कि ज़िले में जो अवैध कार्य चल रहे हैं, अवैध शराब है, अवैध रेत वगैरह है, उनके विषय में अभी तक क्या कार्रवाई इनके द्वारा की गई है और भी अन्य जन सरोकार को लेकर मुद्दे हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हैं संजय कुशराम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता। तो कुशराम जी, आप बताइए कि यहाँ पे अभी तक इतने सारे मुद्दे हैं ज़िले में और आपकी सरकार है, उसके बाद भी अभी तक कुछ मुद्दे में जो देखने को नहीं मिला है कि कुछ व्यापक रूप से कुछ कार्रवाई की गई हो? नहीं, ऐसा जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार अवैध कारोबारों को लेकर कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। और हम पिछले समय से देख रहे हैं, जो हमारे एसपी साहब कलेक्टर मैडम के आने के बाद से इस ओर जिस तरह से काम हो रहा है, अब पिछले कुछ घटनाएं, पिछली कुछ ऐसी कार्रवाइयां हम जो देख रहे हैं, उस ओर बिल्कुल ये इंगित कर रहा है कि हम पूरी ताकत के साथ जीरो टॉलरेंस को की नीति को अपनाते हुए अवैध कारोबार को रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है, और जो है अगर उसके बावजूद भी हो रहा है तो उसको भी हम सख्ती के साथ कार्रवाई करवा कर उन्हें रोकने का काम करेंगे। मंडला ज़िले में और मंडला खाली मंडला प्रॉपर शहर में, मंडला शहर को धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे शराब दुकानें यहाँ से हटा दी गई हैं। यहाँ से 20-20 किलोमीटर की दूरी पे शराब दुकान है, उसके बाद भी मंडला शहर के अंदर घर घर में शराब बिक रही है, हर पान ठेले में शराब बिक रही है। तो क्या इस पर कुछ कार्रवाई आबकारी विभाग के द्वारा तो कभी होती नहीं है, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? निसंदेह ये काम आबकारी विभाग को करना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं हमारे जो कहते हैं कि ज़िले के नेतृत्व जिन अधिकारियों के पास है, उनके नेतृत्व में इन पर अभी पिछली कार्रवाई को हम देख रहे हैं तो जिसमें ये समझ में आता है कि हमारी जिलाध्यक्ष जो जिला कलेक्टर और एसपी, उनके माध्यम से को स्वरोजगार की तरफ लेके जाना, इस ओर मेरा एक प्रयास है जिस पे हमने जनजातीय हमारे गोंडी पेंटिंग को लेकर हमने प्रयास किया है, प्लस हमारे यहाँ पे हथकरघा को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जिसमें मिलेट्स को या कोदो कुटकी हम जिसे कहते हैं मोटे अनाज को लेकर जिस तरह से प्रयास हो रहा है, पूरे साल भर हम इस साल को मिलेट ईयर के रूप में मना रहे हैं, तो निसंदेह इस मिलेट ईयर को न सिर्फ मनाने का बल्कि मिलेट के क्षेत्र में हमारे मंडला ज़िले में रोजगार स्वरोजगार के अनेकों अवसर उत्पन्न हो, इस ओर हम प्रयास कर रहे हैं ताकि यहाँ हमारे लोगों को जो है मंडला से जाने वाला मिलेट पूरे दुनिया भर में एक अपनी पहचान बनाए, ऐसी एक कल्पना है। साथ ही मंडला ज़िले में जो है वो टूरिज़्म या फिर कह सकते हैं कि पर्यटन की अनेकों संभावनाएं हैं। हमारा लगातार ये प्रयास है कि इस ओर भी हम काम करते हुए मंडला को एक पर्यटन ज़िले के रूप में हम स्थापित करें ताकि मंडला में रोजगार का सृजन हो और हमारे लोगों को उनके घर उनके आसपास ही रोजगार के अवसर प्राप्त हों। साथ ही खेल को लेकर भी हमारे बीच में हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मंडला ज़िले में जिस तरह की जनजातीय समाज के बच्चे या मंडला के पर्यावरण में रहने वाला बच्चा कहीं ना कहीं फिजिकली कैलिबर उनके अंदर या फिजिकल जो है कि शारीरिक क्षमताएं अन्य के मुकाबले बहुत हैं, और ऐसे युवाओं को अगर हम खेल के लिए उचित मंच देते हैं
तो निसंदेह मंडला ज़िले से भी आने वाले समय में बहुत ही बड़ी हम लोगों को ऐसे ऊर्जावान कहीं ना कहीं हमारे जो जो लोग हैं ऐसे उन लोगों मिल पाएंगे और हमारे बच्चे जिस तरह की जो है, तो मुझे लगता है कि इसलिए हमने इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और पिछले समय से हम आप सब देख रहे हैं कि जिस तरह के हमारे मंडला में खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं, खेल आयोजन हो रहे हैं, वो हमारे बच्चों को एक बड़ा मंच और उनकी क्षमताओं को निखारने का काम कर रहे हैं, तो इस ओर हमारा प्रयास है। साथ ही हम मंडला ज़िले के अंदर कुछ जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हमने पिछले अभी लंबे समय से पिछले कलेक्टर से भी बात किया, इस बार भी हमने बात किया है कि ऐसा हाई प्रोफाइल लाइब्रेरी या फिर कह सकते कि डिजिटल लाइब्रेरी जैसे ऐसी लाइब्रेरी यहाँ उपलब्ध कराई जाए जहाँ हमारे बच्चों को महंगी किताबें, जो बच्चे खरीद नहीं पा रहे हैं उन्हें महंगी किताबें उस जगह पर यहाँ लोकल में उपलब्ध हों और उसका वो पढ़ने के लिए उनको अच्छा संसाधन मिले, ताकि हमारे यहाँ से ज़्यादा बच्चे उच्च प्रशासनिक व्यवस्थाओं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमारे बीच इस ओर बहुत मजबूती के साथ काम हो रहा है। और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश करके ऐसे कामों को रोकना और वापस जो है मंडला को जो है हमारी जो देवनगरी जो है उसको वापस उसको उसके जो दिव्य स्वरूप को उसको वापस लाने का काम हो रहा है। जी, अभी तो नए कलेक्टर और नए एसपी आए हुए मंडला में और जनता को काफ़ी उनसे आशा भी है कि कुछ अच्छे कार्य होंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पे तो अभी देखने को नहीं मिला कुछ ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पिछले अभी आप लगातार जिस तरह से हम हमारी जिला कलेक्टर का, क्योंकि ऑलरेडी वो शायद पहले पेशे से डॉक्टर भी रही हैं मेडिकल साइड से, जिस तरह से वो मेडिकल लाइन पे हॉस्पिटल्स में जिस तरह के उनके दौरे रहे, ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग का काम बहुत दुरुस्त होगा। साथ में एक कम उम्र के और जोशीले अधिकारी की तरह हमारे एसपी साहब भी हैं, जो मुझे लगता है कि ये अपराध के क्षेत्र में आपराधिक प्रकरणों को भी बहुत जल्दी से और बहुत तेज़ी से निराकरण कर रहे हैं। जितने भी नियम के विरुद्ध जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों को लेकर हो या फिर अवैध व्यापार को लेकर हो, इन सब पे जिस तरह से उनके द्वारा कार्रवाई हो रही है, निसंदेह आने वाले समय में मंडला में जो शासन का जो कहते हैं शासन का जो अनुशासन है बहुत बेहतर होगा। इस पे बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस पे बहुत अच्छा काम करेंगे। और जहाँ ऐसा लगता है कि और अधिक काम होना चाहिए और हमें भी समझ में आता है, तो हम प्रशासन के साथ समन्वय करके और उनको उनके साथ मिलकर और उनको इस पर जिस तरह की ऐसे जो कार्रवाइयाँ होती हैं या क्रियाकलाप होते हैं उनको रोक लगाने का काम करेंगे। और अभी चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और इस चुनावी वर्ष में बहुत, अभी जैसे कर्नाटका में हुआ कांग्रेस आ गई और अभी मध्य प्रदेश में भी जन चर्चा का विषय है कि कांग्रेस की लहर चल रही है, कमलनाथ जी की लहर चल रही है, तो क्या आपको क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, सबसे पहले कर्नाटक विजय पे मैं कांग्रेस को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, लेकिन कर्नाटक के भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने मेहनत किया, जिनके प्रयासों से हम लगभग जितनी सीटें हम जीत कर आ रहे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले उन ऐसे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि इतना तो दी। लेकिन ठीक है, हमारी कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके वजह से हम ये जीत नहीं हासिल कर पाए, पर ये कमियां हमें सीखने का अवसर दे रही हैं और बहुत सी जो चीज़ें वहाँ से हम सीख के आएंगे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा, ये ऐसी कल्पना करता हूँ। और मध्य प्रदेश हम दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे और हम बड़े, बल्कि जो कसर हमारी कर्नाटक में रह गई है, बल्कि उससे बेहतर और उससे बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर से हम यहाँ का चुनाव जीतेंगे और वहाँ के कसर को हम मध्य प्रदेश में पूरा करेंगे। इसलिए बिल्कुल ये कह पाना गलत होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, बल्कि मध्य प्रदेश में भाजपा की लहर है और भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, निसंदेह जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलेगा। जी, और अभी आपका एक जनचर्चा का विषय है कि आपको बिछिया विधानसभा से विधायक के लिए टिकट का चल रहा है, जनचर्चा है, तो इस पर क्या सच्चाई क्या है?
मैं इस पर सच्चाई क्या है मुझे इतना, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अगर ऐसी कोई चर्चा है तो हो सकता है कि गुजरात में जिस तरह से नए चेहरों पर प्रयास किए गए, नए चेहरों को लेकर सोचा गया, हो सकता है कि उस विषय को लेकर संगठन ऐसा सोच रहा हो, पर ये इस पर मेरा कुछ प्रतिक्रिया करना या मेरे तरफ से कुछ बोलना ये गलत होगा, क्योंकि ये निर्णय संगठन का है और इसलिए इस निर्णय को मैं पूर्णतः संगठन पर छोड़ता हूँ कि वो अगर अवसर देते हैं और वो क्योंकि हम संगठन के सिपाही हैं और जब संगठन हमें जिस मोर्चे पे खड़ा करेगा और उस मोर्चे पे अगर युद्ध कहते हैं कि एक लड़ाई लड़ने का मौका देगा, तो निसंदेह मैं एक उस एक सिपाही होने के नाते मैं अपने संगठन को आश्वस्त करता हूँ कि मैं उस लड़ाई को जीत कर, अगर अवसर मिलता है तो उस लड़ाई को जीत कर मैं दूंगा, ताकि संगठन उस क्षेत्र में मजबूत हो सके। और अभी देखने में आ रहा है कि बहुत सारी आपके द्वारा काम भी किए गए हैं हर जगह से, और आगे आप जनहित के लिए और जनता के लिए और अपने क्षेत्र के लिए आगे क्या ऐसी कुछ रणनीति है आपकी जो लोगों के लिए कुछ काम करें? देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर तो लगातार काम हो रहे हैं, पर मेरी मनसा या मैं अपने क्षेत्रों में काम को लेकर, जिला पंचायत क्षेत्रों में या पूरे मंडला जिले में काम को लेकर विषय जब आ रहे हैं, तो मेरी मनसा नवाचार करने की है। हम परंपरागत कला को जिंदा रखना, परंपरागत खेती को जिंदा रखना और परंपरागत जो हमारी जो परंपराओं से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको में हमारे बीच में आए, ऐसी कल्पना हमारे है और इस पर हम काम कर रहे हैं जी। और अभी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश मंडला ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करते हैं, तो इस विषय में उनके पलायन रोकने के लिए यहां पे कोई रोज़गार ऐसा, क्योंकि पंचायतों में अक्सर देखा जा रहा है कि ठेकेदारी प्रथाएं चल रही हैं, कोई भी यदि पंचायत स्तर पे यदि कोई काम आता है तो वो ठेकेदार के हैंडओवर हो जाता है, मज़दूरों को काम मिलते ही नहीं। आप मनरेगा का ले लें या जो भी काम अपना चलता है पंचायत के अंदर, वो ठेकेदारी प्रथा हो चुका है टोटल। तो इस पर आपका क्या कहना है कि मज़दूरों को काम मिले, बाहर पलायन ना कर पाएँ, तो इसके लिए आप कुछ अपने तरफ से पहल करेंगे कि जो ठेकेदारी प्रथा जो पंचायतों में चल रही है वो बंद हो? बिल्कुल, निस्संदेह जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैं इस पर ज़रूर नकेल कसूंगा। और दूसरी चीज़ जो मैंने इससे पूर्व में आपसे कहा कि मंडला ज़िला एक पर्यटन ज़िले के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं, प्लस हमारी परंपरागत कला, परंपरागत खेती किसानी का मामला हो, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जिनको हम अपने लोगों के लिए रोज़गार स्वरोज़गार का आधार बना सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर हम आने वाले समय में भी और तेज़ी से काम करते हुए लोगों के लिए यहाँ कहीं ना कहीं उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति, उनके प्रकृति में उनको काम दिलाने का हमारी एक मंशा है। साथ ही जिस तरह की बातें आ रही हैं कि पलायन वाला विषय, मैं बिल्कुल इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, उस चीज़ को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। हमारे यहाँ से पलायन कहीं ना कहीं रोज़गार को लेके अच्छी, लेकिन रोज़गार की कमी के चलते नहीं है ये, मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जो पलायन कर रहे हैं रोज़गार की कमी के चलते पलायन नहीं कर रहे, बल्कि हो सकता है कि अच्छी कमाई के वजह से या फिर अच्छा जो उनको कि यहाँ उतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा और अच्छी कमाई के चलते वो बाहर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम गाँव-गाँव काम दे रहे हैं, पर शायद वो जितनी अपेक्षा वो रखते हैं उतना शायद उतना चीज़ों को नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मुझे लगता है बाहर अच्छी कमाई के लिए पलायन करते हैं। तो इस पर हम लोकल में भी ऐसे कामों को हम प्रभाव मतलब तैयार करना चाहते हैं जिससे हमारे लोगों को लोकल में अच्छे काम मिले, जैसे वंदन योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री वंदन योजना है, मत्स्य संपदा योजना है, मिलेट ईयर हम इस बार मना रहे हैं, ऐसे अनेकों जो हैं उन योजनाओं को लेकर हम रोज़गार कार्यालयों में हमारे उन पे भी हम बात करेंगे कि हमारे युवा साथी जब रोज़गार को लेकर कोई स्वरोजगार को लेकर अगर विषय पे आ रहा है तो उस पे भी उनको सहयोग करते हुए उनके कामों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।